नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर MLC का चुनाव हो रहा है बिहार में और इस वक्त हम मौजूद हैं गया में। गया में RJD के जो उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन कर रहे हैं। देखेंगे उनका जो गेट है, ये उनका गेट है। और गया जहानाबाद अरवल से जो उम्मीदवार हैं RJD के, नागेंद्र सिंह उर्फ रिंकू जी, ये यहाँ से नामांकन कर रहे हैं गया अरवल जहानाबाद के उम्मीदवार हैं RJD के तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, इस पोस्टर को आप जब ध्यान से देखिएगा तो इसमें कांग्रेस का चुनाव चिन्ह यूज किया गया है, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि हमने अभी तक RJD के प्रत्याशी को समर्थन नहीं दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया है तो फिर महागठबंधन का जिक्र क्यों है और कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा छाप उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गया में जब रिंकू जी कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू जी जब अपना नामांकन करने आए हैं तो उनके नामांकन में राजद के बड़े बड़े कदावर नेता भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ तक कि श्याम रजक भी यहाँ मंच साझा कर रहे हैं। पहले आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से श्याम रजक हैं उस मंच पर, और उसी मंच पर ये लगा हुआ है पोस्टर, और उसी पोस्टर में कांग्रेस का भी चुनाव चिन्ह इस्तेमाल किया जा रहा है और कांग्रेस इससे नकार रही है। कांग्रेस कह रही है, जब हमने कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर से बात किया तो उन्होंने कहा कि हमने अभी तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है गया अरवल और जहानाबाद से, लेकिन ये भी नहीं कहा है कि हम RJD को समर्थन देंगे। तो ऐसे में RJD कैसे में हमारा चुनाव चिन्ह इस्तेमाल कर सकती है? तो ये देखिए, ये मैं आपको एक बार पोस्टर दिखाना चाहूँगा। देखिए किस तरीके से पोस्टर में जो है वो RJD का चुनाव चिन्ह है, माले का चुनाव चिन्ह है और कांग्रेस का भी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ भाषण में ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से हमें सपोर्ट किया जा रहा है। पहले ये तस्वीर देखिए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत के साथ शरीफा देवी जी जिला पार्षद। हमारे मंच पर आए हुए हैं माननीय विधायक जी, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। हमारे क्षेत्र से मुखिया जी, वार्ड सदस्य जी, ये गेट बना हुआ है, संकल्प जो है ये है हमारा संकल्प, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे मजबूत हो ग्राम सभा। कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू जी, ये उनका गेट बना हुआ है। और ये देखिए कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है ये RJD का लालटेन, कांग्रेस का हाथ और ये माले का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल किया गया है। और एक तरफ तेजस्वी यादव और एक तरफ रिंकू जो हैं MLC के जो उम्मीदवार हैं गया से, वो हैं ये गया जहानाबाद अरवल के MLC के उम्मीदवार हैं। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं, और इस वक्त जो है वो यहाँ पर उन लोगों का नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और RJD के कदावर नेता यहाँ मौजूद है। यहाँ तक कि श्याम रजक भी मंच साझा कर रहे हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से श्याम रजक हैं मंच पर, मंच साझा कर रहे हैं। RJD के बहुत ऐसे नेता हैं जो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के तरफ से भी हमें सपोर्ट मिला है और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी इस्तेमाल किया गया। हम बता दें कि हमने इस बारे में जब राजेश राठौर से कॉल पर बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी दिल्ली में हूँ लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, मैंने तो ऐसा या फिर हमारी पार्टी ने तो ऐसा नहीं कहा है कि हम RJD के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। तो क्या ये RJD कांग्रेस के नाम पर वोट बटोर रही है या फिर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि महागठबंधन मजबूत है और वोटरों को ये बता रही है कि कांग्रेस का भी सपोर्ट RJD के साथ है। जहाँ एक तरफ तेजस्वी यादव ने खुद कहा था कि हम स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो फिर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्यों इस्तेमाल किया गया है? देखिए ये तस्वीर आपने देखा है और ये गया की तस्वीर है। गया जहानाबाद अरवल के जो MLC के उम्मीदवार हैं कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू जी, उनका यहाँ नॉमिनेशन का कार्यक्रम चल रहा है और उस कार्यक्रम में RJD के सभी कदावर नेता मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस का भी सपोर्ट हमें है।
अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस इस मामले पर क्या संज्ञान लेती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें इंडिया टॉक।